Hey guys, welcome to my new vlog. So guys, आज का vlog में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी को बता दूं, मैं बाहर आ चुका हूं। आप सभी को मालूम है मैं पिछले vlog में आप सभी को बताया था और मैं डेली vlog नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैं गुजरात आया हूं, यहां पे छुट्टी नहीं रहता है, सप्ताह में एक भी छुट्टी नहीं मिलता है, इसी कारण मैं vlog नहीं बना पाता हूं। और यहाँ पर आता हूँ तो काम वाम करना पड़ता है, तो आज मैं अपने मन से छुट्टी मारा हूँ स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज मैं ब्लॉग बनाऊँगा, आप सभी को दिखाऊँगा दिन भर में मैं क्या करता हूँ, कहीं पे घूमने नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी अभी आया हूँ, कुछ दिन हुआ है। तो इसके कारण मैं अपने रूम के सब चीज़ दिखाऊँगा और क्या क्या करते हैं सब दिखाऊँगा दिन भर में क्या करते हैं। और सबसे फर्स्ट नंबर देख सकते हैं हम लोग भुंजिया बना रहे हैं लोग। यहाँ पर मेरा रमन भाई है जो मेरे साथ रहता है, देख सकते हैं। और मैं अभी परोरा आलू का भुंजिया बना रहा हूँ सुबह सुबह उठ उठ कर। यही तो होता है यार, बाहर का माने जाओ तो यही सब होता है, अपने से बना कर खाओ और सो जाओ, ड्यूटी जाओ बना कर खाओ सो जाओ, फिर सुबह उठो ड्यूटी जाओ बना कर काम करो। अब हम भुंजिया में नमक डालेंगे, हिसाब से डालना पड़ता है ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर जब तक मेरा भुंजिया होगा तब तक मैं दाल को छौंकूँगा। दाल हो गया है मेरा, तो मेरा दाल हो गया है, थोड़ा ज़्यादा बन गया है यार, छौंकाया नहीं अभी, मैं छौंकूँगा इसको। और हम दाल छौंकने के लिए इसमें कड़वा तेल डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे और इसके बाद जीरा डालेंगे। ये गया इसके अंदर हमारा जीरा, साला इसके अंदर आग लग गया था। ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है, अब जाएगा इसकी दाल के अंदर। ऐसे तो चला गया, अब इधर से गैस बंद। मेरा भुंजिया हो चुका है रेडी, मैं गैस बंद कर दिया हूँ। वहाँ पे मेरा रमन भाई खाना खा रहा है, देख सकते हैं। और वो अमन भाई ये भी है जो ड्यूटी जाएगा वो आज। और हमारा खाना रेडी हो चुका है, अब मैं जाऊँगा फ्रेश होने क्योंकि अभी मैं ब्रश व्रश कुछ भी नहीं किया हूँ, तो जाऊंगा करने, उसके बाद हम भी खाना खाएंगे। और फ्रेश होने के बाद हम भी खाना खाने बैठ जाते हैं, देख सकते भुंजिया चावल दाल लेकर खाने बैठ जाते हैं, उसके बाद हम आराम करेंगे। देख सकते हैं रमन भाई ड्यूटी जा रहा है, एक बार बाय कर दे, एक बार बाय। सो गाइस सब कोई ड्यूटी चला गया, अब मैं रूम पे अकेला बस गया, तो मुझे बहुत सारा काम है, आप सभी को सब चीज़ दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक और ब्लॉग का आनंद मिले, बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। सो गाइज ड्यूटी में आज छुट्टी मारा हूँ, तो मैं जितना दिन का ड्यूटी किया हूँ उतना कपड़ा खींचूँगा आज, क्योंकि समय नहीं मिलता है नाइट में खींचने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ कपड़ा खींचने के लिए। पहले इसको मैं गोतूँगा, उसके बाद कुछ देर तक छोड़ूंगा, उसके बाद मैं खींचूँगा। और भाई देख सकते हैं मेरा नज़ारा यहाँ का, हम लोग कितना ऊपर रहते हैं, देख सकते हैं ये पूरा भी बरसात हुआ है तो कचरा कचरा हो गया, पर हम सबसे ऊपर वाले मंजिल में रहते हैं, देख सकते हैं कितना ऊपर रहते हैं। ये हमारा नज़ारा है, व्यू है यहाँ का। कर दिया हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था, मुझे नींद आ गया था क्योंकि मुझे मेरे शरीर में खराबी आ गई थी काम करने की वजह से, इसी के कारण मेरे उसको नींद आ गया। तो अब मैं कपड़ा धोना स्टार्ट करता हूँ, आप सबको दिखाता हूँ, बहुत एक बाल्टी कपड़ा है, देख सकते हैं पूरा बाल्टी भर कपड़ा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा धोना स्टार्ट कर दिया हूँ, अब धोऊंगा उसके बाद आप सभी को दिखाऊंगा कितना कपड़ा धोया हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैं कपड़ा खींच दिया हूँ, और जो भी मैं पहना था जो ये भी खींच दिया हूँ। और वहाँ पे देख सकते हैं बर्तन मजना है, खाया हुआ बर्तन है,
उसमें खाते हैं तो उसको मजना पड़ेगा, उसके बाद मेरा काम फ्री आएगा, तो इसके बाद उसकी बारी है। अभी मैं कपड़ों को इसमें खंगालूँगा पानी भरकर, देख सकते हैं नल्ला से पानी आ रहा है। तो गाइस मैं बर्तन माँज दिया हूँ और बहुत शाम हो चुका है, अभी करीब करीब 6 बजने वाला है, तो मुझे लेट हो जाएगा, तो मैं जा रहा हूँ नहाने। और मैं रूम भी साफ़ कर दिया हूँ, डिटॉल लगा कर साफ कर दिया हूँ, पूछा तो सब कर दिया हूँ यार। और देख सकते हैं यहाँ पे बिस्तर वस्तर सब चीज़ सजा दिया हूँ बहुत अच्छा से, ताकि सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं जाऊँगा नहाने, नहाने के बाद मिलते हैं आप सभी को कि नाइट में क्या बनाना है और क्या करना है नाइट में। और मैं नहा धोकर फ्रेश हो चुका, इसी खुशी में बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं बहुत ऊंचा पे हूँ, मेरा मतलब जितने आदमी रहते हैं बहुत ऊंचे पे, मतलब 5-6 मंजिल के ऊपर रहते हैं, तो बाहर बारिश हो रही है तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ कैसा, मतलब कैमरा में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बाहर का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मेरे हाथ पे बारिश आ रहा है, आप लोग सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, कैमरा में नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि गर्दा टाइप पे बारिश हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और गाइस नाइट हो चुका है और रूम पे सब कोई आ गया है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ कौन कौन आया है। वहाँ पर मेरा भाई आ गया है और अमन भाई आ गया है और अमन भाई भी आ गया है, और देख सकते एक ये मेरे फूफा जी लगते हैं नाते में। और मैं खाना बना रहा हूँ नाइट का, यहाँ पे देख सकते हैं आलू और सोयाबीन का सब्जी और चावल बना रहा हूँ। और मैं गुजरात में कौन सा काम करता हूँ मैं आप सभी को वो ब्लॉग दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छा काम है, तो प्लीज़ वो ब्लॉग का इंतज़ार करना और अपने भाई को दिल से सपोर्ट करना। और गाइज आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे ब्लॉग में नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने छोटे भाई को बहुत से बहुत ज़्यादा प्यार देना, ताकि मैं कुछ आगे की तरह बढ़ूँ, अपने भाई को दिल से सपोर्ट करना। मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में, जय श्री राम।